सिंगरौली में टीआई अनिल उपाध्याय के रिटायरमेंट पर भीगी पलकों के साथ बड़े ही धूमधाम से स्थानीय लोगों ने भावविहीन विदाई दी। विदाई समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सहित सभी ग्रामीण जन, पुलिस विभाग की टीम सहित लोक सेवक एवं सम्मानित जन उपस्थित रहे। पुलिस की अक्सर लोग कम ही सराहना करते हैं, क्योंकि पुलिस का काम प्रमुखता से लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। उसके लिए कभी कभी पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ती है, जिससे अक्सर लोग पुलिस की बुराई करते हैं। लेकिन सिंगरौली में पुलिस विभाग के एक रिटायर्ड निरीक्षक का पुलिस की सेवा से सेवानिवृत्त के बाद स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान बड़े धूमधाम से किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़वा थाने में पदस्थ टीआई अनिल उपाध्याय को भीगी पलकों के साथ बड़े ही धूमधाम से स्थानीय गणमान्य के साथ कलमकारों ने भावविहीन विदाई दी। बता दें कि गढ़वा थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ज्वाइन करने के बाद कार्यालयीन दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे थे। अनिल उपाध्याय जब से पदस्थ हुए थे, वह गढ़वा थाना क्षेत्र में शांति सुरक्षा के लिए समर्पित थे। उनकी वजह से चारों ओर शांति का माहौल था। क्षेत्र की जनता निडर होकर अपना जीवन जी रही थी। विदाई समारोह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सहित सभी ग्रामीण जन और पुलिस प्रशासन उपस्थित रहे। संदेश यही है कि लोग आपस में मिलजुल करके शांति से रहें, पुलिस जो काम करती है उसमें अपना सहयोग करें, जिससे क्षेत्र में शांति रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो समाज में नशा कर रहे हैं लोग, पूरा समाज लग के, जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हैं, पुलिस अफसर हैं, वो सब मिलके उस नशे से समाज को मुक्त कर दें, तो अपराध बहुत कम होंगे और ये समाज, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ जाएगी। यही संदेश। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।